हेलो फ्रेंड, मैं हूं अंदर इब्राहिम और आप देख रहे हैं वीआईपी नजरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड अभी है जो भाई हम आए हुए हैं बाहर, ठीक है, तो सोचे चलो यहां पे वीडियो बना लेते हैं। और आज का जो वीडियो रहेगा ना वो रहेगा आपको सेकेंड हैंड फोन है जो बाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर आप सभी जो गेम खेलने के लिए सोच रहे हैं कि हम बाई करें, भाई एक ग्रुप है बीजीएमआई का फेसबुक पे, हमारे बंदे से भेजो, वहाँ पे पोस्ट करता है कोई भाई मुझे 10,000 का फोन बता दो जो जिसमें जो हम गेम खेल सके, ठीक है। तो वहाँ पे है जो मतलब पोस्ट ऐसे करते हैं कि भाई कोई ऐसा फोन सजेस्ट करो जिसमें है जो हम बीजीएमआई गेम खेल सके और हमें कॉम्पिटिटिव भी खेलना है, ठीक है। वो भी पोस्ट करता है 10,000 का, तो कमेंट करता है कि भाई अगर कॉम्पिटिटिव के लिए मोबाइल लेना है तो सेकेंड हैंड में लो, 10,000 में भाई कोई भी फोन सही नहीं है। तो भाई कमेंट भी सही रहता है कि हाँ भाई 10,000 में है जो सेकेंड हैंड फोन गेम खेलने के लिए वो सही नहीं है। और वहाँ पे बात आता है कि सेकेंड हैंड फोन लो, तो क्या सेकेंड हैंड फोन लेना जरूरी है आज के टाइम में? क्या आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आप भी वही करोगे जो और बंदे करते हैं, जाके सेकेंड हैंड फोन ले लेते हैं? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। अगर आप ये वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके अंदर है जो एक ये हो जाएगा कि हाँ यार हमें है जो अब सेकेंड हैंड फोन लेना है या फिर नहीं लेना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इसे ख़त्म करने के लिए। फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं सेकेंड हैंड फोन है जो आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो भाई मैं अगर बोलूँ ना डायरेक्ट कि भाई आप जो सेकेंड हैंड फोन है जो कभी भी आपको गेमिंग के लिए स्पेशली नहीं आपको लेनी चाहिए, तो इसका है जो डिसएडवांटेज क्या होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, देखो अगर आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं भाई, देखो जितना भी अच्छा फ़ोन क्यों नहीं रहे, अगर कोई फ़ोन है जिसका प्राइस एग्जांपल मेरे वन प्लस 7 प्रो है, इसका प्राइस है जो 48,000 रुपये है, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, जब मैं स्टार्टिंग में फ़ोन लिया था तो उस टाइम में गेम काफ़ी अच्छा चल रहा था, हिट नहीं हो रहा था, ठीक है, और 90 FPS इसमें है। लेकिन अभी भाई इस फ़ोन का 2 साल हो गया है और ये फ़ोन भाई इतना हिट होता है ना, अगर भाई मैं बोलूँ पॉपकॉर्न अगर इसमें रख दूंगा ना भाई वो है जो बन जाएगा, ठीक है, इतना ये फ़ोन है जो हिट होता है अभी के टाइम में। तो ये है एंड्रॉयड फ़ोन का कहानी। अगर आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं, जितना भी अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन क्यों ना आ जाए, अगर उसका जैसे टाइम है जो हो जाएगा ना, तो भाई वो फ़ोन है जो अपना औकात पे आ जाएगा, वो हिट होने लगेगा और आपको काफ़ी प्रॉब्लम देने वाला है अगर आप जो कोई भी सेकेंड हैंड फ़ोन लेते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहा कि वो है जो हिट होता है। उसके बाद से सेकेंड हैंड फ़ोन लेने का एक और रीज़न है, ना लेने का एक और रीज़न है। देखो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फ़ोन है वन प्लस, ठीक है, तो ये फ़ोन को है जो हम किसी वजह से ये फ़ोन नीचे गिर गया और इसका है जो डिस्प्ले या फिर टच वो है जो भाई क्रैक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम है जो इसको रिप्लेस कराएंगे। अगर हम है जो अगर महंगे फ़ोन का है जो डिस्प्ले टच है जो अगर रिप्लेस कराएंगे, ओरिजिनल वाला लगाएंगे ना, तो भाई काफ़ी ज़्यादा पैसा है जो लग सकता है, 15-20,000 रुपये है जो अगर अच्छा खासा एंड्रॉयड फ़ोन का जैसे वन प्लस 7 प्रो है इसका है जो भाई 15,000 या फिर 20,000 रुपये है जो ओरिजिनल टच और डिस्प्ले का लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम है जो यहाँ पे लगाएंगे सेकेंड मतलब लोकल जो कि है 2500-2000 में है जो मेरे फ़ोन में है जो वो वाला लग जाए, ठीक है, डिस्प्ले और टच। तो वहाँ पे क्या करेगा, हम है जो एक सस्ता सा है जो डिस्प्ले टच है जो रिपेयर करवा लिए, उसके बाद से अगर इस फ़ोन से अब है जो हम गेम खेलेंगे तो भाई यहाँ पे जो काफ़ी बेकार गेम चलेगा और लैग काफ़ी ज़्यादा होगा और कभी कभी जो टच काम नहीं करेगा। सेकेंड हैंड फ़ोन लेने से यही होता है भाई, कोई भी बंदे का जो फ़ोन है अच्छा फ़ोन है, उसने उसका फ़ोन क्रैक हो गया, उसने डिस्प्ले टच को रिप्लेस किया, उसका से आपके हाथ सेल कर दिया, भले ही वो आपको सस्ते में क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन भाई यहाँ पे जो टच की वजह से है जो आपका गेम का जो जो रिस्पॉन्स रहेगा वो काफ़ी बेकार हो जाएगा, जो जैसे कि फायर बटन हो गया, स्कोप बटन हो गया, तो ये सब है जो आपको काफ़ी ज़्यादा इन सभी में प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये रहा कि भाई अगर कोई भी फ़ोन का आईसी ख़राब हो गया, कहीं पानी में गिर गया, तो अगर आप सभी सेकेंड हैंड फ़ोन में ये लेने जाते हैं तो भाई यहाँ पे जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आप किसी थर्ड पर्सन आदमी से जो आप सेकेंड हैंड फ़ोन ले रहे हैं और आपको मालूम नहीं कि भाई ये फ़ोन का टच रिप्लेस है या फिर ये पानी में गिर गया हुआ फ़ोन है, तो भाई यहाँ पे जो भाई फ़ोन है जो भाई वो बेकार ही रहता है, ठीक है, अगर आप जो सेकेंड हैंड फ़ोन लेते हैं गेमिंग के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि भाई सेकेंड हैंड फ़ोन है जो किस टाइप का लेना चाहिए। तो भाई देखो सबसे पहले अगर आपको सेकेंड हैंड लेना है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो नहीं लेना है ना वो है आपको भी कभी भी कोई भी लोकल मार्केट से कभी भी कोई शॉप से जाके है जो आपको सेकेंड हैंड फ़ोन नहीं लेना है। और आपको सेकेंड हैंड फ़ोन लेना भी है ना तो कभी भी आप है जो जो आपका कज़न ब्रदर है या फिर कोई भी जो आपके रिश्तेदार हैं, अगर आपको मालूम है आपका फ्रेंड है, तो आप उन सभी से है जो आप सेकेंड हैंड फ़ोन है जो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में मालूम रहता है कि फ़ोन चला है कैसा चला है नहीं चला है, तो उन सभी से आप सेकेंड हैंड फ़ोन लो, ठीक है, जो आपके
फ्रेंड भाई ले दे के ही आता है कि आपको जो कोई भी अननोन पर्सन से है जो फ़ोन नहीं लेना है सेकेंड हैंड लेना है, तो भाई कोई भी अपने जानने वाले से सेकेंड हैंड फ़ोन लो, और उस फ़ोन का है जो अगर वो ज़्यादा यूज़ रहा है तो आप नहीं लो। कम से कम भाई अगर कोई बंदे है जो एक साल यूज़ किया तो आप वो फ़ोन ले सकते हैं, लेकिन भाई कोई कोई फ़ोन ऐसा है तो दो साल चलाता है उसके बाद वो सेल कर देता है। तो यहाँ पे जो आपके लिए वो फ़ोन नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि भाई वो फ़ोन है ज़्यादा हीट होने लगता है। भाई एंड्रॉयड फ़ोन जो भी आप लोगे ना, या फिर एंड्रॉयड क्या है जो आप आईफोन भी लोगे ना, तो वो सब भी भाई वक्त आते आते देखो ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, और एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रहता है ना वो सब है जो भाई हिट होता है, ठीक है। भले ही यहाँ अगर आप महंगा फ़ोन लीजिएगा तो वो है जो थोड़ा लेट से हिट होगा, आप सस्ता फ़ोन लीजिएगा तो वो जल्द हिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना जरूरी है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, सेकेंड हैंड फ़ोन कैसा लेना है और नहीं लेना है। बात रहा iOS का, तो iOS में भी भाई यही सेम कंडीशन है, ठीक है। और आपको iOS फ़ोन ना भाई कभी भी शॉप से नहीं लेना है, और ना ही आपको है जो चोर बाजार सबसे आईफोन लेना है, क्योंकि भाई वहाँ पे है जो क्लोन फ़ोन सब रहता है। हम आईफोन के ऊपर है जो एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो वीडियो को देख लीजिएगा, आईफोन का क्या स्कैम चल रहा है, ठीक है, चोर बाजार का। और आईफोन में काफ़ी ज़्यादा क्लोन फ़ोन सब आता है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे जो आप रील्स देखते होंगे, आईफोन पे लेना है तो इतना ये DM करो, ये कॉल करो, आपको है जो सस्ते में मिल जाएगा। तो भाई ये फ़ोन सब रहता है ना क्लोन फ़ोन रहता है, तो आपको इन सभी के बारे में याद रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए #VIP नजरा।